नमस्कार। मैथमेटिक्स की कई ब्रांचेस होती है। कुछ ब्रांचेस में हम सिर्फ नंबर यूज़ करते हैं तो वो अर्थमेटिक हो जाती है। कुछ के अंदर हम फिगर्स ड्रॉ करते हैं तो, और भी आगे आप जैसे पढ़ेंगे तो इसकी कई सारी ब्रांचेस होती है। उसमें से एक ब्रांच है एलजेब्रा। तो हम आज शुरू करेंगे ये एक नई ब्रांच एलजेब्रा। तो हम सबसे पहले देखेंगे द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स विच वी स्टडी नंबर्स, जिसके अंदर केवल नंबर्स यूज करेंगे उसको बोलते हैं अर्थमेटिक, है ना। तो इसके अंदर यूनिटरी मेथड और इस तरह की चीज़ें आती है और उसके अंदर नंबर्स हम यूज़ करते हैं। इसी तरह से द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट द शेप्स, शेप्स मतलब ट्राइंगल है, स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, इनके बारे में जहाँ पे पढ़ते हैं उसको बोलते हैं ज्योमेट्री, ठीक है। अच्छा, अब एलजेब्रा क्या होता है? तो एलजेब्रा, इन दिस ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स वी यूज लेटर्स इंस्टेड ऑफ नंबर्स। तो कभी कभी हमको जब चीजों को जनरलाइज करना होता है तब हम नंबर्स की जगह लेटर्स यूज करते हैं, और लेटर एक जनरल नंबर को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो जिसमें हम लेटर्स यूज करते हैं वो एलजेब्रा होगा। एंड बाय यूजिंग लेटर्स वी कैन टॉक अबाउट एनी नंबर। उसमें जब लेटर यूज किया, अगर हमने उसमें x नंबर की जगह यूज कर लिया, अब x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, चाहे 2, 3, 4, 100, 1 लाख, कुछ भी हो सकती है, है ना। ऐसे ही n, x, y, ये अगर लेटर्स हम यूज करते हैं तो उसमें हम जनरल वैल्यू ले सकते हैं, एंड नॉट जस्ट ए पर्टिकुलर नंबर। क्योंकि नंबर मतलब वो तो हो गया पर्टिकुलर, 5 बोल दिया, इसका मतलब 5 चीज़ें जो काउंट होती हैं, 5 मतलब 5, उसको हम कहीं पे भी चेंज नहीं कर सकते, है ना। लेकिन अगर हमने नंबर ले लिया n, अब n की 5 भी वैल्यू हो सकती है, 6 भी हो सकती है, 7 भी वैल्यू हो सकती है, ठीक है। तो एलजेब्रा में हम जनरल एक नंबर या लेटर यूज करेंगे नंबर्स की जगह, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं इसको, इस सब्जेक्ट को कैसे डेवलप करना। अब देखिए किस तरह से एलजेब्रा के कॉन्सेप्ट्स को डेवलप किया जाता है। देखिए यहाँ पे मैचस्टिक पैटर्न एंड आइडिया ऑफ वेरिएबल। अब हम यहाँ पे जो लेटर यूज करते हैं उसको वेरिएबल बोलेंगे, और इसका आइडिया किस तरह से यहाँ पे डेवलप किया जा सकता है। अब यहाँ पे अगर देखें कि दो मैचस्टिक, माचिस की तीलियाँ, अगर हम एक को यूँ रख दें, एक को यूँ रख दें, तो ये लेटर L बन गया। अगर हमको एक की जगह दो लेटर्स बनाने हैं L, तो एक ऐसा बना दिया, दूसरा ऐसा बना दिया, तो अब इसके अंदर मैचस्टिक, इसके एक लेटर के लिए हमको दो मैचस्टिक लगी थी। अगर दो L बनाने हो तो दो, एक मैचस्टिक का पेयर ये हो गया, एक मैचस्टिक का पेयर ये हो गया, मतलब कितने हो गए, 1, 2, 3, 4। अगर हमको एक और L बनाना है, ये 3 L बनाने हैं, तो दो इसके लिए हो जाएंगे, दो इसके लिए हो जाएंगे, और दो इसके लिए हो जाएंगे, मतलब यहाँ पे कितनी मैचस्टिक्स लगेगी हमारे को,
छः माचिस की तीलियाँ लगेंगी हमको ये 3L बनाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ L फॉर्म्ड, जब एक L बनाया तो यहाँ पे हमको दो तीलियाँ रखनी पड़ी, जब दो L बनाए तो दो L के लिए एक दो तीन चार, मतलब चार तीलियाँ हमको रखनी पड़ी। तीन अगर बनाते हैं तो यहाँ पे छः तीलियाँ रखनी पड़ रही है। अगर इसके आगे हम एक और L बना दें तो उसमें एक दो तीन चार पाँच छः फिर सात और आठ, तो चार के लिए आठ लगेगी, पाँच के लिए दो और बढ़ा दो क्योंकि एक L के लिए दो माचिस की तीली लगती है, तो ये 10 हो गया। 6 होगा उसके लिए 12 हो जाएगा, 7 होगा तो उसके लिए 14 होगा, 8 होगा उसके लिए 16 होगा। इस तरह से अगर हम जाएं तो हम ये देख रहे हैं कि नंबर ऑफ मैच स्टिक्स रिक्वायर्ड विल बी 2 times, क्योंकि एक उसके लिए 3 लगते हैं नंबर ऑफ एल्स, कि यहाँ पे 2 into, अगर एक L है तो 2 into 1 मतलब 2, अगर दो L हैं तो 2 into दिस इज 2 L's तो ये आ गया 4। ऐसे ही अगर 3 होंगे तो उसके लिए 2 into 3 आ रहा है। अब इसको अगर हम नंबर ऑफ मैच स्टिक्स रिक्वायर्ड इसको अगर जनरलाइज करें कि हमको N L's बनाने हैं तो क्या हो जाएगा, 2 into n, जहां पे नंबर ऑफ एल्स दिस इज n, तो दिस विल बिकम 2n। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ वेरिएबल, इट्स वैल्यू इज नॉट फिक्स्ड। अब यहां पे क्या है, ये जो n है इसकी वैल्यू फिक्स नहीं है, एक मैच स्टिक रखना है तो n की एक वैल्यू हो गई, अगर 5 रखना है तो यहाँ पे 5 रखेंगे, 5 रखेंगे तो 2 into 5 दिस विल बिकम 10, तो ये फिक्स नहीं है, इट कैन टेक एनी वैल्यू, n इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4। तो इस तरह से ये पहला एग्जाम्पल है जिसमें हमने वेरिएबल, क्योंकि 1, 2, 3, 4 ये तो कॉन्स्टेंट्स हैं और n जिसकी वैल्यू कुछ भी वेरी कर सकती है, जिसकी वैल्यू कुछ भी चेंज हो सकती है, तो उसको बोलते हैं वेरिएबल क्वांटिटी। तो यहाँ से हमने वेरिएबल क्वांटिटी को इंट्रोड्यूस करना देखा, ये एक एग्जांपल हुआ। अब इस तरह के और भी एग्जांपल्स बन सकते हैं जिसमें वेरिएबल की अलग अलग वैल्यूज आ सकती है, तो हम अगला देखते हैं एग्जांपल। अब देखिए मोर मैचस्टिक पैटर्न, अब यहां पे अगर हमको ये सी बनाना है, सी बनाना है तो एक मैच स्टिक यूं रखी, दूसरी यूं और तीसरी यूं रखी, मतलब इसके अंदर कितनी बन रही है, इसके अंदर 3 मैच स्टिक बन रही है, रखनी पड़ रही है हमको एक सी बनाने के लिए। अगर दो सी बनाने हैं तो 3 यूं रखा जाएगी और 3 यूं हो गए, तो 3 और 3 कितनी हो गई, 6 हो गई। अगर हमको 3 सी बनाने हैं तो 3 इसकी 3 इसकी और 3 इसकी मतलब कितनी हो गए, 3 3 3 मतलब 9 हो गए, है ना, 9 हो गए। तो अगर एक सी बनाना है तो इसके लिए हमको 3 मैच स्टिक रखनी पड़ेगी, अगर दो सी बनाना है तो हमको 6 मैच स्टिक्स रखनी पड़ रही है, एक के लिए 3 और दूसरे के लिए भी 3, तो ये हो गया 6। 3 अगर रखनी है तो 3 इसके लिए मतलब 9 मैच स्टिक्स हो गई। 4 अगर सी बनाने हैं तो 3 इसके लिए मतलब 12 हो गई। अगर
चार की जगह पांच रखने हैं तो तीन। अब देखिए इसमें तीन तीन बढ़ते जा रहे हैं, ये थ्री था, थ्री प्लस थ्री सिक्स, सिक्स प्लस थ्री नाइन, नाइन प्लस दिस ट्वेल्व, ट्वेल्व प्लस थ्री तो ये फिफ्टीन हो गया। अगर फाइव अगर हम लेते हैं, छः के लिए तीन और बढ़ जाएगा तो ये एटीन हो गया, सेवन के लिए ट्वेंटी वन हो गया एंड सो ऑन। इसका मतलब अगर हम देखें तो वन के लिए थ्री, टू के लिए सिक्स है, मतलब टू इंटू थ्री है, थ्री के लिए नाइन है, मतलब थ्री इंटू थ्री है, तो थ्री तो सब जगह आ रहा है। फोर के लिए ट्वेल्व है, मतलब फोर इंटू थ्री, तो यहां पे थ्री इंटू फोर दिस इज ट्वेल्व अगेन। फाइव है तो फिफ्टीन, फिफ्टीन मतलब फिर से थ्री इंटू फाइव हो गया, तो थ्री इंटू फाइव दिस इज फिफ्टीन। तो अब इसको अगर हम जनरलाइज करें कि हमारे को अगर n नंबर ऑफ सीज बनाने हैं, कितने सी बनाने हैं, n बनाने हैं, तो उसके लिए कितना हो जाएगा, थ्री इंटू एन, क्योंकि यहाँ पे नंबर्स की जगह उसमें n आ जाएगा। तो नंबर ऑफ मैच स्टिक्स रिक्वायर्ड विल बी ये थ्री इंटू एन, दिस विल बिकम थ्री एन। ठीक है, हम कुछ एग्जाम्पल्स और भी कंसीडर कर सकते हैं, तो लेट अस कम टू नेक्स्ट। अब आइए देखिए एग्जाम्पल्स, देखिए फाइंड द रूल। अब हमको रूल निकालना है, तो रूल जैसे अभी हम निकाल रहे थे जनरल वाला कि 3n या फिर 2n, तो ये क्या होता है, एक रूल है जो हमारे को बतलाएगा कि कितनी मैच स्टिक्स वगैरह लगेगी, है ना। तो यहां पे फाइंड द रूल विच गिव्स द नंबर ऑफ मैच स्टिक्स रिक्वायर्ड टू मेक द फॉलोइंग मैच स्टिक्स पैटर्न, यूज ए वेरिएबल टू राइट द रूल। तो इसके लिए हमको वेरिएबल लिख के और रूल बतलाना है। ए पैटर्न ऑफ लेटर टी, टी बनाना है तो एक मैच स्टिक यूं रखी, दूसरी यूं रखी, तो एक बनाना है तो दो मैच स्टिक, दो बनाना है तो टू इंटू टू मैच स्टिक, मतलब फोर मैच स्टिक्स, तीन बनाने हैं तो टू इंटू थ्री, चार बनाने हैं तो टू इंटू फोर, पांच बनाने हैं तो टू इंटू फाइव, और अगर n बनाने हैं तो टू इंटू एन। सो फॉर दिस पैटर्न नंबर ऑफ मैच स्टिक्स फॉर दिस आंसर विल बी नंबर ऑफ मैच स्टिक्स इज इक्वल टू, इसके अंदर टू इंटू एन हो जाएगा क्योंकि दो लग रही है, है ना। फिर ए पैटर्न ऑफ लेटर जेड, अब जेड बनाने के लिए एक मैचेस स्टिक यूं रखी, दूसरी यूं रखी और तीसरी यूं रखी, तो तीन मैचेस की तीली एक जेड बनाने में लग रही है, दो में तीन और मतलब छः हो गई, छः को क्या लिख सकते हैं, टू इंटू थ्री। तीन अगर जेड बनाने हैं तो तीन और तो छः और तीन नौ हो गए, है ना, तो नौ को हम क्या लिख सकते हैं, थ्री इंटू थ्री। अगर चार जेड बनाने हो तो तीन और बढ़ा दो तो नौ और तीन बारह हो गए, और बारह को क्या लिख सकते हैं, थ्री इंटू फोर। तो अगर चार हैं तो बारह मतलब थ्री इंटू फोर, पांच हैं तो थ्री इंटू फाइव, छः हैं तो थ्री इंटू सिक्स, सात हैं तो थ्री इंटू सेवन, और अगर n बनाने हो z तो क्या हो जाएगा, 3 इंटू एन, राइट। सो इन दिस केस आंसर इज नंबर ऑफ मैच स्टिक्स
विल बी इक्वल टू, अब यहाँ पे 3 इंटू एन, क्योंकि एक उसके लिए 3 मैच स्टिक्स लग रही है, ठीक है। तो इसको जनरलाइज कर दिया तो 3n हो गया, ठीक। चलिए आगे बढ़ें। नाउ सी दिस, कैडेट्स आर मार्चिंग इन अ परेड, देयर आर 5 कैडेट्स इन ए रो। तो एक रो के अंदर, मतलब जो आगे आगे चल रही है, एक रो के अंदर 5 है, ठीक है। व्हाट इज द रूल व्हिच गिव्स द नंबर ऑफ कैडेट्स व्हिच गिवन द नंबर ऑफ गिवन द नंबर ऑफ रोज, यूज एन फॉर द नंबर ऑफ रोज। तो देखिए, अगर 5 1, 2, 3, 4 और 5 5 कैडेट्स हैं ये एक रो के अंदर, तो दूसरी रो जो इसके अगली बनेगी उसमें भी 5 होंगे, तो अब कितने हो गए, 10 हो गए, ठीक है। तो अगर एक रो है तो 2 × 1 है, सॉरी 5 × 1 है, 5 है ना। अच्छा, अगर 2 रोज हो गई तो कितने हो गए, 5 × 2 या 2 × 5। अगर 3 रोज हैं तो 5 और बढ़ गए, मतलब 15 हो गए। 15 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 × 3 लिख सकते हैं। तो अगर इसमें नंबर ऑफ रोज n है तो आंसर हम लिखेंगे, आंसर विल बी नंबर ऑफ कैडेट्स ऑफ कैडेट्स इज इक्वल टू, तो देखिए यहां पे 5 × 1, फिर 5 × 2, 5 × 3, 5 × 4, फिर 5 × 5, तो ऐसे अगर 10 रोज होगी तो 5 × 10, और अगर n रोज होगी तो 5 × n, ठीक है। सो नंबर ऑफ कैडेट्स विल बी 5 × n, ठीक है। अच्छा, अगला देखें, मदर हैज मेड लड्डूज, तो लड्डू बने, पानी तो नहीं आ रहा ना मुंह में, मैच करते समय कंट्रोल रखना है, ठीक है। तो शी गिव्स सम लड्डूज टू गेस्ट्स एंड फैमिली मेंबर्स, तो कुछ लड्डू बने, उसमें से कुछ लड्डू जो गेस्ट आए हुए थे या फैमिली मेंबर्स थे उनको दे दिए गए, है ना। स्टिल 5 लड्डूज रिमेन, फिर भी 5 बज गए। तो यहां पे इफ द नंबर ऑफ लड्डूज मदर गेव इज ऑलवेज एल, तो नंबर ऑफ लड्डूज जो दिए, अब देखना यहां पे भी नंबर ऑफ लड्डूज जो देने वाले हैं वो 10 भी हो सकते हैं, कि भाई हो सकता है गेस्ट और वो मिला के 10 लोग हों तो 10 लोगों को दे दिया, या 12 लोग भी हो सकते हैं, 15 भी हो सकते हैं, 25 भी हो सकते हैं। तो L की वैल्यू चेंज हो सकती है, क्योंकि गेस्ट के अंदर अगर सिर्फ, मान लो सिर्फ दादाजी आ गए, ठीक है, तो एक ही लड्डू जाएगा, और फैमिली मेंबर्स और भी ज़्यादा हुए तो 1 भी हो सकता है L की वैल्यू, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 25 भी हो सकती है, 40 भी हो सकती है, 50 भी हो सकती है, कितने लोग आए इसके ऊपर डिपेंड करता है ना। तो दिस इज डिनोटेड बाय L। नाउ हाउ मेनी लड्डूज डिड शी मेक, तो L लड्डू तो दे दिए, लेकिन बच तो 5 ही रहे हैं। हम चाहे दे कितने भी लड्डूज दे दें, लेकिन बचना 5 चाहिए, क्योंकि यहां पे ये दिया हुआ है स्टिल 5 लड्डूज रिमेन, मतलब बनाए कितने, ये 5 जो बचे वो तो हैं ही, और प्लस जितने दे दिए वो कितने हैं, L,
तो टोटल लड्डू बने कितने? L प्लस 5. सो आंसर विल बी, नंबर ऑफ लड्डूज मेड, दिस विल बी इक्वल टू एल प्लस 5, है ना? सो दिस विल बी द आंसर. अब इसमें एल की वैल्यू चेंज हो सकती है, डिपेंड करता है कि फैमिली मेंबर्स कितने हैं या फिर गेस्ट कितने आए हुए हैं, है ना? ठीक, चलिए आगे देखें. राधा इज ड्राइंग ए डॉट रंगोली. ये रंगोली बनती है जब दिवाली या कोई त्यौहार होता है तो उसमें खूब सारे डॉट्स बनाते हैं पहले, फिर उसके बाद में उसको ज्वाइन करके एक पैटर्न जैसा बनता है. तो राधा इज ड्रॉइंग ए डॉट रंगोली. एंड व्हाट इज डॉट रंगोली? ए ब्यूटीफुल पैटर्न ऑफ लाइंस ज्वाइनिंग डॉट्स विथ चॉक पाउडर. शी हैज 9 डॉट्स इन ए रो. तो अभी हमने जैसे देखा था कि कैडेट्स जब मार्च कर रहे हैं तो उसमें 5 कैडेट्स थे. अब यहाँ पे एक रो के अंदर 9 डॉट्स दिए हुए हैं. सो 9 डॉट्स इन ए रो. हाउ मैनी डॉट्स विल हर रंगोली हैव फॉर आर रोज? तो जैसे उसके अंदर पिछले क्वेश्चन के अंदर देखा था कि 5 अगर कैडेट्स एक रो में हैं तो उसके अंदर अगर नंबर ऑफ रोज एन हो तो टोटल नंबर ऑफ कैडेट्स कितने हो जाते हैं? 5n. तो यहाँ पे 9 डॉट्स हैं एक रो में, दूसरे में फिर से 9 है, मतलब फिर 18 हो गए, फिर तीसरे में फिर 9 है तो 27 हो गए. मतलब ये सब क्या आ रहा है? पहले में 9 मतलब 9 into 1, दूसरे में 18 मतलब 9 into 2, तीसरे में 27 means 9 into 3. तो अगर r रोज होगी तो 9 into r. ओके, सो हियर फॉर सॉल्यूशन के लिए हम लिखेंगे शी हैज 9 डॉट्स इन ए रो. सो सिंस नंबर ऑफ डॉट्स इन वन रो इज इक्वल टू 9, देयरफॉर नंबर ऑफ डॉट्स इन आर रोज विल बी इक्वल टू 9 into r. ठीक है, यहाँ पे नंबर ऑफ रोज r दी हुई है. सो दिस विल बी 9 into r. देन हाउ मेनी डॉट्स आर देयर इफ देर आर 8 रोज एंड इफ देर आर 10 रोज? तो अगर यहाँ पे r की वैल्यू अगर 8 हो तब कितने डॉट्स होंगे, और r की वैल्यू अगर 10 हो तो कितने डॉट्स होंगे, ये हमें निकालना है. सो वी विल राइट इफ r इज इक्वल टू 8 देन टोटल नंबर ऑफ डॉट्स विल बी इक्वल टू, यहां पे 9 into r की जगह 8 है तो ये कितने हो जाएंगे? 9 into 8, दिस इज 72 डॉट्स. ठीक है. अच्छा, अगर 10 रोज हो तो इफ r इज इक्वल टू 10 हो टोटल नंबर ऑफ डॉट्स विल बी इक्वल टू 9 into, अब यहाँ पे r की वैल्यू वो दी हुई है 10,
तो 9 × 10 मीन्स 90 डॉट्स। तो इस केस के अंदर यहां पे 90 डॉट्स होंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, ऑरेंजेस आर टू बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम लार्जर बॉक्स इनटू स्मॉलर बॉक्सेस। तो बड़े बड़े बक्से में से छोटे बक्से के अंदर ऑरेंजेस को ट्रांसफर किया है ना। तो व्हेन ए लार्जर बॉक्स इज एम्प्टीड द ऑरेंजेस फ्रॉम इट फिल टू स्मॉलर बॉक्सेस। तो एंड स्टिल 10 ऑरेंजेस रिमेन आउटसाइड। तो जब एक बक्से को, बड़े वाले बक्से को खाली किया, तो दो तो छोटे वाले बक्से पूरे पूरे भर गए और फिर भी 10 ऑरेंजेस बचे रह गए, ठीक है। तो यहां पे इफ द नंबर ऑफ ऑरेंजेस इन ए स्मॉल बॉक्स आर टेकन टू बी एक्स, तो अगर एक छोटे वाले बॉक्स के अंदर एक्स ऑरेंजेस हैं, तो छोटे एक बॉक्स के अंदर एक्स हो गए, दूसरे के अंदर भी एक्स हो गए, मतलब टोटल कितने हो गए, एक्स प्लस एक्स, मतलब कितने हो गए 2x। जैसे सपोज किया कि छोटे बॉक्स के अंदर अगर हमने ऑरेंजेस डाले वो 20 आए, 20 इसमें आए, दूसरे स्मॉल बॉक्स के अंदर भी 20 अगर आ गए, तो 20 और 20 कितना हो गया, 40 हो गया, मींस 2 × 20 हो गया। और अगर x है एक के अंदर, दूसरे के अंदर भी x है, तो x प्लस एक्स कितना हो गया, डबल, मतलब 2x हो गया, ठीक। और फिर भी 10 ऑरेंजेस तो इसमें बचे ही रह गए हैं, तो 2x के साथ में प्लस 10 और हो जाएंगे। तो हमको व्हाट इज नंबर ऑफ ऑरेंजेस इन द लार्जर बॉक्स, ये हमको निकालना है, है ना। तो वी कैन राइट इट लाइक दिस सॉल्यूशन। नंबर, सिंस नंबर ऑफ ऑरेंजेस इन ऑरेंजेस इन वन स्मॉल बॉक्स इज इक्वल टू एक्स, देयरफॉर नंबर ऑफ ऑरेंजेस इन टू स्मॉल बॉक्सेस, तो ये कितने हो जाएगा, दो बॉक्स के अंदर डबल हो जाएगा, मीन दिस विल बिकम 2x। अगर तीन बॉक्सेस होते तो 3x हो जाता, 10 बॉक्स होते तो 10x हो जाता है ना। तो यहां पे हो गए 2, लेकिन फिर भी कितने बचे रह गए, 10 ऑरेंजेस बचे रह गए। तो नंबर ऑफ ऑरेंजेस लेफ्ट कितने बचे रह गए, 10, है ना। तो 10 तो ये हो गए, और ये 2x जो है स्मॉलर बॉक्स के अंदर चले गए, तो टोटल नंबर ऑफ ऑरेंजेस इन लार्जर बॉक्स विल बी ये 2x जो छोटे बॉक्सेस में है प्लस 10 जो बचे रह गए, तो दिस विल बी 2x प्लस 10।